तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। दोनों मुकाबलों का पिच रिपोर्ट, मौसम की जानकारी ड्रीम 11 टीम के लिए बल्लेबाज, ड्रीम 11 टीम के लिए गेंदबाज, मैच प्रेडिक्शन और पॉसिबल प्लेइंग 11 चारों टीमों की सारा कुछ लेकर आए आपके लिए इस वीडियो में। क्रिकेट की हर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक स्टार और हिट करें नोटिफिकेशन बेल को। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करते हैं यार, वीडियो बनाने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। मिनटों की जी वीडियो होती है लेकिन घंटों का समय लगता है वीडियो बनाने में, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब जगह पर वीडियो को शेयर कर दो, सिर्फ आपका 1 मिनट लगेगा। तो पहला मुकाबला खेला जाएगा चाटाग्राम चैलेंजर्स और खुलना टाइगर टीम के बीच, और दूसरा मुकाबला खेला जाएगा सैलहेट थंडर और राजशाही रॉयल टीम के बीच। और ये दोनों मुकाबले खेले जाएंगे सैलहेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। पहला मुकाबला दोपहर 1 बजे शुरू हो जाएगा और दूसरा मुकाबला शाम को 6 बजे शुरू हो जाएगा इंडियन समय के अनुसार। और इससे पहले कल जो दो मुकाबले इस ग्राउंड पे खेले गए थे बांग्लादेश प्रीमियर लीग के, उसमें दोनों मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती थी। और अगर बात करें पेस बनाम स्पिन की, तो कल जो दो मुकाबले खेले गए थे उसमें तेज गेंदबाजों ने 20 विकेट चटकाए, स्ट्राइक रेट 16.85, इकॉनमी रेट 8.52, और स्पिनर गेंदबाजों ने 4 विकेट चटकाए, स्ट्राइक रेट 34.5, इकॉनमी रेट 8.47। यहाँ पर मतलब पूरी तरह से साफ है तेज गेंदबाज विकेटों के मामले में, स्ट्राइक रेट के मामले में बहुत आगे हैं, कोई मुकाबला भी नहीं है स्पिनर गेंदबाजों के साथ, और इकॉनमी रेट के मामले में थोड़ा सा स्पिनर गेंदबाज आगे हैं। ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पर तेज गेंदबाज बहुत असरदार रहते हैं स्पिनर गेंदबाजों के बजाय। और अगर बात करें एवरेज स्कोर की, तो यहाँ पर एवरेज स्कोर है 170 रन, सबसे बड़ा स्कोर बना है 199 रन, सबसे कम स्कोर बना है 160 रन, सबसे कम स्कोर डिफेंड हुआ है 172 रन। और अगर बात करें पावर प्ले के आंकड़ों की, तो पावर प्ले में इस ग्राउंड पे एवरेज स्कोर है 51 रन, 5 विकेट गिरे हैं। तो मतलब साफ है कि इस ग्राउंड पे पावर प्ले में रन बनते हैं लेकिन उसके साथ में विकेट भी गिरते हैं। और अगर बात करें मौसम की, तो मैच के दिन मौसम रहेगा 23 डिग्री से लेकर 16 डिग्री तक क्लाउडी रहेगा और 10% बारिश होने की शंका है। अब आपको दिखाते हैं चैटोग्राम चैलेंजर्स टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं शेडविक बोल्टन है कप्तान और नारुल हसन है विकेटकीपर, और बाकी सारे खिलाड़ी जिनके नाम आप पढ़ सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं खुलना टाइगर्स टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं रहीम है कप्तान और विकेटकीपर, और बाकी सारे खिलाड़ी जिनके नाम आप पढ़ सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं इनफॉर्म बल्लेबाज, रेले रोसो 274 रन, शेडविक बोल्टन 274 रन, रहीम 216 रन, और अब आपको दिखाते हैं इनफॉर्म गेंदबाज मेहदी हसन राणा 14 विकेट, शहीदुल इस्लाम 12 विकेट, रोबेल हसैन 10 विकेट, और अब आपको दिखाते हैं पावर हिटर रॉबी फ्रैंकलिन, इनका स्ट्राइक रेट है 178.18। तो ये थे इनफॉर्म बल्लेबाज, इनफॉर्म गेंदबाज और पावर हिटर ड्रीम 11 टीम के लिए। और अब आ रही मैच प्रेडिक्शन की, तो मुझे लगता है ये मुकाबला खुलना टाइगर्स टीम जीतेगी। बात करते हैं दूसरे मुकाबले के बारे में, तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं सैलेट थंडर टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं एंड्रे फ्लेचर है कप्तान और मोहम्मद मिथुन है विकेटकीपर, और बाकी सारे खिलाड़ी जिनके नाम आप पढ़ सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं राजशाही रॉयल्स टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं शोएब मलिक है कैप्टन और इरफान शुक्र है विकेटकीपर, और बाकी सारे खिलाड़ी जिनके नाम आप पढ़ सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं इनफॉर्म बल्लेबाज, अफीफ हुसैन 260 रन, लिटन दास 255 रन, शोएब मलिक 254 रन, और अब आपको दिखाते हैं इनफॉर्म गेंदबाज रवि बपारा 8 विकेट, इबादत हुसैन 11 विकेट। तो ये थे इनफॉर्म बल्लेबाज और इनफॉर्म गेंदबाज ड्रीम 11 टीम के लिए। और अब आ रही है प्रेडिक्शन की, तो मुझे लगता है ये मुकाबला राजशाही रॉयल्स टीम जीतेगी। अब यहां पर बात करते हैं प्रेडिक्शन मीटर के बारे में, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं अब तक मैंने कुल मिलाकर 28 मुकाबलों का प्रेडिक्शन कर दिया है, जिसमें से 11 प्रेडिक्शन मेरे सही रहे हैं और 13 प्रेडिक्शन मेरे गलत हुए हैं, 4 प्रेडिक्शन अभी मेरे पेंडिंग में है। तो ये था प्रेडिक्शन मीटर का लेखा जोखा, और ये था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।